ये मेरा एक नया वीडियो है, DIY डू इट योरसेल्फ, के खुद से फ्लास्क कैसे बनाए। ये अलग अलग टाइप के फ्लास्क हैं, क्विलिंग फ्लास्क बोलते हैं इनको, जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे। तो आज मैं ये बताऊंगी कि ये फ्लास्क मैंने कैसे बनाए थे। इस फ्लास्क बनाने के लिए हमको चार चीज़ें चाहिए, गम, क्विलिंग नीडल। अगर आप क्विलिंग करते हैं तो आपको पता होगा ये नीडल क्विलिंग नीडल होती है, बट अगर सपोज़ आपको नहीं पता तो जहाँ से आप ये क्विलिंग पेपर परचेज़ कर सकते हैं स्टेशनरी से, वहाँ से आपको क्विलिंग नीडल मिल जाएगी। तो क्विलिंग नीडल के बाद क्विलिंग पेपर, ये जो सबसे मतलब बड़ा आता है, ये वो वाला क्विलिंग पेपर है, और आपको यही चाहिए, और सीजर्स। सो सिर्फ इन चारों चीज़ों से आप ये फ्लास्क बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले क्विलिंग पेपर ले लीजिए बड़ा वाला, और उसे कट करना स्टार्ट कीजिए। और ध्यान से देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। मैं इसको सिर्फ 3/4 काट रही हूँ और 1/4 छोड़ दे रही हूँ, इस तरह। और मैं ये पूरा क्विलिंग पेपर काटूंगी, जस्ट एक बार ध्यान से देखिएगा, इस तरह मुझे पूरा क्विलिंग पेपर काट लेना है। ध्यान रखना स्पीड से, कई बार वो पूरा पेपर ही कट जाता है, सो वैसी गलती ना हो, तो इसलिए ध्यान रखें। सो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका क्विलिंग पेपर ये इस तरह मैंने काटा है। सो मैंने पहले ये काट के रखा है ग्रीन कलर में, मेरा या यू कैन से येलो कलर में, ये अच्छे से देखिए मैंने पूरा काट के रखा। अभी इसके बाद क्या करना है, जब आपने एक अच्छी से स्ट्रिप काट ली, क्विलिंग नीडल लीजिए और उसके एक छोर में लगा दीजिए और उसको रोटेट करना स्टार्ट कीजिए, मतलब उसको अंदर की तरफ इस तरह रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कार्ड्स, मतलब ये फ्लास्क यूजुअली आप ग्रीटिंग कार्ड्स पे या बर्थडे कार्ड्स पे चिपका सकते हैं, नोटबुक्स के सामने डेकोरेट करने के लिए चिपका सकते हैं। ये यूजुअली ग्लू से चिपक जाते हैं क्योंकि मेड ऑफ पेपर, सो बहुत इजी होता है इनको कहीं भी पेस्ट करना। ये मैंने नीडल निकाल लिया है, और ये है जो लास्ट का छोर बचा हुआ है, ये वाला। हम इस पर थोड़ा गम लगा लेंगे ताकि चिपका रहे हल्का सा, बस। अब इसको सूखने देंगे, एक दो मिनट लगते हैं इसको सूखने में, ये फटाफट सूख जाता है। बस ये टाइट होना चाहिए, लूज़ ना करें इसको, बस। अब ये हो गया, सूख गया ये। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। इसके जो मैंने कटे हुए हिस्से हैं, ये बाहर की तरफ खींच रही हूँ उंगलियों से, बस आपको यही करना है, इस तरह पूरा। जैसे आप इसे पूरा खींच लेंगे और बाहर की तरफ निकाल देंगे, ये एक फ्लावर का शेप ले लेगा, इस तरह। सो इस तरह आप इजीली एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बना सकते हैं क्विलिंग पेपर से। एट द सेम टाइम अगर आपको सिंगल कलर में नहीं चाहिए, टू कलर्स में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एक कलर लिया, ये एक कलर लिया, तो मैं इन दोनों को इस तरह अटैच कर दूंगी पहले गम से। सपोज मैं ले रही हूँ पिंक और येलो, और फिर वापस पिंक। इस येलो के बाद मेरे पास एक और स्ट्रिप है पिंक की, तो मैं वो पिंक की स्ट्रिप ले रही हूँ और फिर यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो ये जो बड़ी स्ट्रिप है, ये स्टार्टिंग में पिंक है, एंडिंग में पिंक है, और बीच में येलो है। तो इससे बनेगा हमारा मल्टी कलर फ्लावर। सो सेम प्रोसीजर हमें करना है, क्विलिंग नीडल लेना है और स्टार्ट करना है इसको यहाँ से, एक छोर से। सो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर, मतलब आपका ये वाला जो हाथ है जिससे आप क्विलिंग पेपर पकड़ रहे हो, उसको आप टाइट से पकड़िए ताकि आपका फ्लावर टाइट बने। अगर लूज़ बनेगा तो उतना अच्छा शो नहीं आएगा। तो जब भी आप बनाएं तो ध्यान रखें कि वो थोड़ा टाइट हो आपका ये वाला हाथ। मल्टी कलर में आप कितने भी कलर लेके बना सकते हैं, जस्ट छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और फिर उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है।
ये मुझसे निकल गया, तो मैंने वापस लगाया और मैं इसको वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अब बस ये हो गया, एंड पे आ गए। ये देखो जब लूज़ हो जाता है तभी इस तरह गिरने लगता है, तो प्लीज़ आप इसे एकदम अच्छे से टाइट से पकड़ें। फाइन, ये हो गया और मैं इसका लास्ट वाला गम से चिपकाने वाली हूँ। इस तरह मैंने गम से चिपका दिया इसको। जब गम से चिपका दोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, और हमें वही सेम प्रोसेस वापस करनी है, इसको बाहर की तरफ खींचना है। बीच वाले कुछ हिस्से रहने देना, बाकी उसको बाहर की तरफ अच्छे से खींच लेना, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये मल्टी कलर है और ये सिंगल कलर। इस तरह आप अपने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बना सकते हैं, जिस शेप में आपको लगे या जिस कलर्स में आपको लगे, सिंगल कलर, मल्टी कलर, छोटे बड़े। यहाँ पर ये सिंगल कलर में ही, मतलब मल्टी कलर में छोटा है, और मल्टी कलर में पास सबसे बड़ा ये वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।